ओम शांति। अलर्ट होकर बैठे और बाह्य सभी बातों से ध्यान को हटाते हुए अपने ऊपर आ जाएं। धीमे से मस्तक के बीच फोकस करें। जहां तिलक लगाते हैं यहां एक चमकता हुआ सितारा दिख रहा है। उस सितारे पर अपनी बुद्धि को फोकस करें। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। मस्तक मणि हूं, मैं शांति का सितारा हूं। मुझसे शीतल प्रकाश निकल रहा है। मेरी पूरी देह में फैल रहा है। ये श्वेत शीतल प्रकाश मेरे देह भान को गला रहा है। मैं आत्मा देह भान का त्याग कर रही हूं। देखें, अब मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूं। पंच तत्वों की देह को त्याग, अब मैं उड़ चलूं आकाश की ओर। स्वयं को देखें, नीले आकाश के नीचे स्थित मैं त्यागी मूर्त फरिश्ता। मैं लाइट की देह में हूं। और नीचे धरा पर जो पंच तत्वों की देह है उसे साक्षी होकर देख रहा हूं। अपने आप को याद दिलाता हूं, ये देह केवल और केवल मेरा कॉस्ट्यूम है।
मैं इस सृष्टि पर एक कलाकार हूं जो परम धाम से यहां पाठ बजाने आया हूं। इस पंच तत्वों के कॉस्ट्यूम को धारण कर मैं पाठ बजाता हूं। मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। जब मैं इस देह से एकदम न्यारा हूं तो मुझे प्रतिपल ये अनुभव होता है कि मेरे प्यारे प्राणेश्वर शिव बाबा मेरे साथ हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं उनकी दिव्य लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। देखें मेरे सर के ऊपर परम धाम से शीतल प्रकाश पड़ रहा है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं तकदीरवान हूं कि मैं ईश्वर की छत्र छाया तले हूं। मुझे ईश्वर विश्व सेवा हेतु यूज करते हैं। शिव बाबा का प्रकाश मुझ में निरंतर समा रहा है। मुझसे धरा पर पड़ रहा है। मैं फरिश्ता देह भान का त्यागी सो पद्मा पदम भाग्यवान फरिश्ता पूरे विश्व को शिव बाबा की लाइट दे रहा हूं। मैं न्यारा और प्यारा अभी सूक्ष्मतन में कमल आसन धारी हूं। मैं श्वेत कमल पर विराजमान प्रकाश की काया में मस्तक के बीचों बीच चमकती मणि
मेरे सर के ऊपर शांति सूर्य की लाइट पड़ रही है। ये लाइट मुझ में समाकर धरा पर फैल रही है। जो नीचे पाठ बजा रही आत्माओं में परमात्म शक्तियों का संचार कर रही है। सभी पाठधारी आत्माओं को ये स्मृति लौट रही है कि वो आत्माएं हैं, पाठधारी हैं। ये पंच तत्वों की देह वो नहीं है। ये प्रकाश नीचे पाठधारी आत्माओं पर पड़ रहा है और उन्हें स्मृति लौट रही है कि हम इस देह से न्यारे हैं, जिससे देह के पदार्थ, वैभव, व्यक्ति, वस्तु सभी से उनके चित्त में वैराग्य का जन्म हो रहा है। मैं फरिश्ता बेहद का वैरागी हूं, साक्षी दृष्टा हूं। मैं मास्टर दाता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल और केवल देने वाला मास्टर दाता हूं। मेरे ऊपर निरंतर शिव बाबा की किरणें पड़ती हैं। मैं सदा उनकी छत्र छाया में हूं। उनकी लाइट पूरी धरा पर फैलाना मेरा परम कर्तव्य है। अब धीरे धीरे मैं नीचे पंच तत्वों की देह के सामने खड़ा हो जाता हूं। देख रहा हूं उसे साक्षी होकर। मैं त्यागी मूर्त, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, मैं बेहद का वैरागी हूं। ये देह केवल और केवल मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं।
तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। अपने आप को देखें, मैं आत्मा, बड़े ते बड़े त्याग, देहभान का त्याग करने वाली, देह में रहते हुए भी उससे न्यारी और प्यारी हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मस्तक के बीचों बीच विराजमान। इस स्मृति में स्थित हूं, ये देह केवल और केवल मेरा वस्त्र मात्र है। मेरा इस देह में कोई ममत्व नहीं, मैं इस देह का प्रयोग केवल पार्ट बचाने हेतु कर रहा हूं। मैं विश्व सेवक हूं, मैं परम धाम से विश्व सेवा हेतु अवतरित हुआ हूं। मैं एक अवतार हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मुझे हर सेकंड प्रतिपल ये स्मृति है कि मैं इस देह का मालिक हूं। मैं इससे एकदम अलग हूं, मैं मस्तक मणि हूं, मैं परमात्मा प्रेम में देह भान का संपूर्ण त्याग करने वाला, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। स्वयं को देखें केवल मस्तक पर,
मणि के रूप में। देह से बिल्कुल न्यारा, जब चाहे देह से बाहर, जब चाहे देह में। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, देह से बाहर निकल जाती हूं। मेरी दिव्य लाइट देह पर पड़ रही है। मैं कोहिनूर हीरा अपनी चमक प्रकृति के पांचों तत्वों पर बिखेर रहा हूं। अब मैं ऊपर की ओर उड़ने लगता हूं, जा रहा हूं ऊपर अपने घर की ओर, जहां से मैं यहां पाठ बजाने आया था। इस देह का त्याग कर मैं बिंदु पहुंच गया, सिंधु पिता के पास, जो परम धाम में है। मेरे पिता, गुणों के भंडार, सर्व शक्तियों के सागर, ज्ञान सागर, देखें ज्ञान सागर शिव बाबा की लहरों को उछलते हुए। मैं उनकी लहरों में गोते लगाता, एकदम हल्का लाइट। बाबा के गुण, उनकी शक्तियां, उनका ज्ञान मुझ में प्रवेश करता। बाबा की लहरों रूपी भुजाओं में मैं आत्मा समाकर अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करता। मैं सर्वशक्तिमान बाबा की भुजाओं में समा मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाता। मैं बेहद का वैरागी, मुझे अपने बाबा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा ही मेरा संसार है। मैं अपने प्रेम के सागर बाबा की गोद में समाया हूं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
देहभान का त्याग मुझे बाबा के करीब रखता है। मैं बाबा की शक्तियों से भरपूर होता हूं। स्वयं को प्रेम के सागर में समाया हो अनुभव करते रहे। अपने आप को बाबा के प्रेम में समाए हुए ये पक्का कराएं कि मैं कोई पंच तत्वों का देह नहीं हूं, मैं एक सितारा हूं। प्रतिपल मुझे स्मृति है कि मैं एक सितारा, एक कोहिनूर हूं जिसकी चमक संपूर्ण विश्व में फैलती है। मैं परम धाम निवासी हूं। धरा पर केवल सेवा हेतु अवतरित होता हूं। मुझे पांचों तत्वों से बनी किसी भी चीज में कोई ममत्व नहीं है। मैं सर्व से न्यारा और प्यारा हूं। देह से जुड़ी चीजें, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वमानधारी आत्मा हूं। मैं बेहद की वैरागी हूं। मैं निर्मोही, निराकार, निर्विकार आत्मा। बाबा के प्रकाश तले मैं स्वयं को धरा पर मस्तक के बीच देख रही हूं। अब किंतु एकदम न्यारी, इस देह का आधार केवल सेवा ही तो मैंने लिया है। इस देह से मैं बिल्कुल न्यारी हूं। देह से एक सेकंड में अलग होकर देखें और फिर से देह में प्रवेश करके देखें। ये भी एक्सरसाइज है, तुरंत बाहर निकलें। स्वयं को देह के ऊपर, सर के ऊपर स्थित देखें। जैसे ही देह से अलग होंगे आप यही याद आने लगता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, बहुत भाग्यवान, तकदीरवान, पाठधारी, मास्टर ज्ञान सूर्य। मैं विश्व कल्याणकारी, परमात्म छत्र छाया में पलने वाली, मस्तक के बीच फिर से बैठे। याद रहे कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
फिर से बाहर निकल गए। मैं आत्मा हूं, कोहिनूर हीरा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, बेहद की वैरागी, फिर से प्रवेश करें और अपनी लाइट पूरी देह में फैलती हुई अनुभव करें। ये दिव्य लाइट इस पूरी देह को एक क्षण में संपूर्ण स्वस्थ बना देती है। मैं मास्टर हीलर हूं, बहुत शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।